Ernst? हाँ रजत का काम होना चाहिए बस थोड़ा। निधि 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 यहाँ से कॉर्नर पे निधि कॉर्नर निधि इसके अलावा अगर मूवीज की बात करें तो वो मूवीज और क्या शेड्यूल में है आपके? जैसे मैंने अभी अनाउंस किया था साइन समथिंग विद क्रियाश, सो आई बी कमिंग आउट विद समथिंग विद देम वेरी सून एंड या सो दैट्स व्हाट्स नेक्स्ट। कई सारी ऐसी बातें होती हैं आपके बारे में, आप भी पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, तो किस तरह की फीलिंग होती है उन कंट्रोवर्सीज को सुन के आपके लिए? किस टाइप? टाइगर के बारे में हो या फिर किसी और रीजन हो कुछ ऐसा अगर आपने सुना हो? आई थिंक इट्स ओके, यू नो ये सब एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। अगर जो रूमर्स की आप बात करें दैट्स फाइन, फोर्थ स्टैंडर्ड में स्कूल के बच्चों के भी साथ होता है, कॉलेज में आप लोग में भी होता है, आई थिंक इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थोड़ा आ गया ना सर, सिंगल पिक्चर निधि सेंटर निधि कॉलर निधि यहाँ पे निधि यहाँ निधि दिस साइड यो निधि यहाँ सेंटर निधि यो निधि यो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप रैंप पे चलते तो क्या चीज़ ध्यान में रखते रहते हैं? रैम्प पे एक्चुअली मेरा जो करियर है वो रैम्प से ही स्टार्ट हुआ है। मैंने 3-4 महीने बैंगलोर में मॉडलिंग की थी, देन आई मूव्ड ऑन टू एक्टिंग, बट इट्स ऑलवेज ग्रेट यू नो, स्टेज पे जो एक फीलिंग होती है इट्स अमेजिंग, तो आई थिंक दैट्स द हाई दैट यू नो आई लव वॉकिंग द रैम्प फॉर एंड दैट्स व्हाट आई फेल्ट टुडे। या बट जब पहली बार चला था बट आज चला तो क्या फील होता है? अरे बहुत, पहली बार तो इज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी नर्वस, बट आफ्टर सम टाइम आई थिंक आप इन्जॉय करने लग जाते हो बिकॉज आप कम्फर्टेबल हो जाते हो, तो या दैट्स द डिफरेंस। टुडे आई फेल प्रीटी गुड वॉकिंग। या बहुत डिफरेंट लाइक यू नो, जैसे कि हम क्लोथ की बात करें तो किस तरह से आपने सजाया क्लोथ को, क्यों चीज़ के बारे में? एक्चुअली कलेक्शन जो था वो एक थीम के ऊपर ओरिएंटेड था और उसको हम लोगों ने, मतलब निधि इज़ अ शो स्टॉपर तो उसका गारमेंट हैड टू बी द हाईलाइट, तो इसलिए जो है उसके हर एलिमेंट्स जैसे कलर, कलर ऑफ एम्ब्रॉयडरी वो सर लेट, येट आई वॉन्ट टू मेक समथिंग यूनिक फॉर हर, सो आई चेंज द पैटर्न ऑफ द एम्ब्रॉयडरी दैन द अदर कलेक्शन सो दैट शी स्टैंड्स आउट, सो दैट्स हाउ द होल आउटफिट केम आउट। निधि अगर हम आपकी बात करते हैं, कैसा आप हाईलाइट रहते हैं, भले स्टाइलिश हो या फिर बॉलीवुड हो, क्या रीजन है? थैंक यू, आप बहुत स्वीट हो कि आपने मुझे इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, बट आई डोंट नो रीज़न क्या है, लेकिन आई थिंक आई डोंट शाई अवे फ्रॉम हार्ड वर्क। मैं बहुत मुश्किल से एक नॉर्मल लड़की तो बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मुझे इस चीज़ की वैल्यू इतनी है कि मैं यहाँ पे आके और मेहनत करूँगी ताकि मैं और आगे जा सकूँ। आई थिंक इट्स जस्ट दैट। बट स्टाइलिश की बात करो, पर्सनली आपकी क्या स्टाइल? पर्सनली तो मेरा, मैं हमेशा जीन्स में, शॉर्ट्स में या कोई फ्लोरल ड्रेसेस वगैरह में होती हूँ, यू नो, तो आई एम वेरी कम्फर्टेबल इन दैट। पर आजकल के जो लड़कियां बहुत सारी मतलब एडमायर करते हैं, पर्सनली आप किसको एडमायर करते हैं एज अ स्टाइलिस्ट? एज अ एक्ट्रेस जिसका, जिनका स्टाइल, आई थिंक कंगना का स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत फैशनेबल है, दीपिका का अच्छा है, एवरीडे के लिए उनका बहुत बेसिक स्टाइल स्ट्रॉन्ग है, सो लॉट्स ऑफ पीपल। आई थिंक आजकल सब लोग ही अच्छे हैं, आजकल स्टाइलिस्ट बहुत अच्छे हो गए, यू नो दैट्स द मेन थिंग। हाँ, आई एम नॉट ब्रांड कॉन्शियस क्योंकि अभी आई एम नॉट इवन अर्निंग दैट मच कि मैं ब्रांड्स में इतना स्पेंड कर सकूँ, तो बट आई लव ऑल हाई स्ट्रीट ब्रांड्स, यू नो आई थिंक कि एक कपड़ा अगर हम क्लिक हो जाते हैं तो बार बार पहन भी नहीं सकते,
तो इट्स अ वेस्ट. तो आई एम वेरी हैप्पी विद हाई स्ट्रीट ब्रांड्स. आई लव हाई स्ट्रीट. पर क्लिक के बात करें मुन्ना वाकिल के बाद आपका काफ़ी हर जगह क्लिक नजर है, लोगों को दिन में आ गया सब जगह. तो क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट? तो मैंने साइन किया है क्रियाश के साथ में, जिन्होंने टॉयलेट वगैरह प्रोड्यूस किया है. दे कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड या आई विल बी पार्ट ऑफ समथिंग सून. मैं जैन में स्टार्ट करूँगी अपनी शूटिंग और तब तक प्रिपेयर कर रही हूँ अपने आप को उस प्रोजेक्ट के लिए. अनाउंसमेंट जल्दी करूँगी. एक्टिंग और मॉडलिंग जैसे कि हर मॉडल का होता है कि मैं फ्यूचर में बहुत अच्छा एक्टर बनूँ. ओके, तो कितना डिफिकल्ट होता है मॉडल्स लेके एक्टिंग में डिपेंड करना? आई थिंक दो कम्प्लीटली अलग फील्ड्स है. यू नो मॉडलिंग इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक्टिंग. एक तरीके से ऑपोजिट है, लेकिन मैंने पहले मॉडलिंग ही की है फिर एक्टिंग की है, क्योंकि वही एक रास्ता दिखा मुझे एक्टर बनने का. क्योंकि सुना था कि ऐश्वर्या दीपिका सब लोग मतलब पहले मॉडल बनते हैं फिर एक्टर बनते हैं. तो बट दे वेरी डिफरेंट थिंग्स. बट आई थिंक एज अ नॉर्मल गर्ल ये एक रास्ता दिखता है तो एवरी वन गोज फॉर दैट, यू नो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय. थैंक यू. सब्सक्राइब टू मूवी टॉकीज एंड क्लिक ऑन द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स.